आज हम बात करेंगे टीवीएस जुपिटर के बारे में, जो कि कंपनी ने न्यू स्कूटी लॉन्च की गई है। इसमें आपको क्या क्या फीचर आपको देखने मिलेंगे और क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज की है, और आपको इसकी मैनुअल बुक चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। तो बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, फ्रंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको पहले आपको इंडिकेटर देखने को मिलते थे, अब आपको LED DRL आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिलेंगे। और उसके इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आपको DRL में भी आपको सेट से आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इसके बैकलाइट के बारे में, तो बैकलाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि इसमें पीछे आपको पहले बड़ी लाइट देखने को मिलती थी, अब आपको पीछे आपको DRL आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पीछे आपको LED DRL लाइट देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर भी इसमें ही आपको सेम देखने को मिल जाएगा, जो कि आगे वाली लाइट में आपको देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, जो कि टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि अगर आपकी स्कूटर की माइलेज आपको बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे वो आपको बता देता हूँ। देखिए, इस स्कूटर में पहले आपको सेल्फ देखने को मिलता था, जो कि अब आपको इसमें सेल्फ नहीं देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा ISG, जो कि जुपिटर स्मार्ट कनेक्ट में आपको देखने को मिलता था, जुपिटर 125 cc में देखने को मिलता था, जो कि अब आपको 110 में आपको इसमें देखने को मिलेगा। और माइलेज कैसे बढ़ेगी, जो कि इसमें एक और चीज़ यूज़ की गई है, इसमें इंटेलीगो यूज़ किया गया है। इंटेलीगो का मतलब होता है जो कि कहीं पर भी अगर आप जाम में फंसते हो और अगर आपको स्कूटी स्टार्ट है, तो आपकी ऑटोमेटिकली 30 सेकंड बाद आपकी स्कूटरी बंद हो जाएगी। और आपको स्टार्ट किस तरह करनी है, जो कि आपको स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक प्रेस करनी है और एक्सीलेटर देना है, उसके बाद आपकी स्कूटरी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि जो आपका पार्किंग में जो कि कहीं पर भी आपकी स्कूटी खड़ी होती है, जिससे कि आपका जो पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल बचने के बाद जो कि आपकी एवरेज पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम पेट्रोल टैंक के बारे में, जो कि आपको 110 cc में पहले आपको पीछे पेट्रोल टैंक मिलता था, अब आपको फ्रंट में पेट्रोल टैंक मिलेगा, जो कि 125 cc का सेम आपको इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसमें पैरों के नीचे आपको पेट्रोल टैंक इसका देखने को मिल जाएगा। सीट की लेंथ की बात करो, सीट भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगी, और सीट भी आपको काफ़ी लंबी भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब सीट के अंदर की कैपेसिटी की बात करें, तो सीट भी आपको इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी, जो कि जुपिटर 125 cc की सीट आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि इसमें डबल आप हेलमेट रख सकते हो इसमें, और काफ़ी सारा सामान कैरी आप इसमें कर सकते हो, जो कि सीट में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। अब इसके मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो मीटर में आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले आपको इसके बारे में बात करूँ, मीटर स्क्रीन में फुली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी TVS की स्कूटरी में आपको नहीं देखने को मिलेगा इस तरह का डिजिटल मीटर। और दूसरा, आपको इसके फीचर जानने तो उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट करना होगा। इसमें आपको 5 फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाया था, उसमें 5 फीचर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, अगर आपको इसे मोबाइल फोन से कनेक्ट करोगे तभी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 फीचर कौन कौन से मिलेंगे, देखिए, अगर आप इसको कनेक्ट कर ले तो आपकी स्क्रीन में मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, लोकेशन, पेट्रोल का, जो वॉइस का, इसको कनेक्ट करने के बाद आपको इसको जो स्मार्ट कनेक्ट में फीचर देखने को मिलते हैं, वही सेम इसको फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको स्कूटर में कलर ऑप्शन आपको 6 इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको किसी भी स्कूटर में आपको इस तरह के कलर ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि अगर आप इसकी मैनुअल बुक चाहते हो, किस तरह से फिटिंग करना, किस तरह से ऊपर करना, इसकी मैनुअल बुक मेरे पास है, आप इसकी